भारत विविध संस्कृति, महान साम्राज्यों और विभिन्न सभ्यताओं का देश है। मौर्य, मुगल, गुप्त और राजपूतों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और भी कई सारे ग्लोरियस एम्पायर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे 9वीं शताब्दी की बात करते हैं, जब त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था पाला, गुर्जारा, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के बीच, इन सब के मध्य एक महान साम्राज्य का उदय हो रहा था, द चोलास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मीवुड। टुडे वी आर गोइंग टू सी द जर्नी ऑफ दिस ग्लोरियस एम्पायर फ्रॉम बीइंग जस्ट चोलास टू द इंपीरियल चोलास। चोल राजवंश दक्षिणी भारत का एक तमिल साम्राज्य था और विश्व इतिहास में यह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। चोल राजवंश सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक था जिनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विन्यास पर गहरा प्रभाव था। ये ऐतिहासिक तौर पर इतनी प्राचीन है कि इनका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। वे लंबे समय तक राज्य करने वाले राजवंशों में से एक थे जिनका अर्लिएस्ट रेफरेंस अशोक के शिलालेखों में पाया जा सकता है। चोल राजवंशों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू होता है जब उन्होंने पल्लवास को हराकर सत्ता हासिल की और उनका यह शासन अगले 5 शताब्दियों तक चला यानी कि 13वीं शताब्दी तक, और यह दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक बना। द इंपीरियल चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयलया चोला, जो पल्लवास के फ्यूडेटरी यानी कि सामंत थे। अगर हम संगम एज और उनके लिटरेचर की बात करें तो तब 3 महत्वपूर्ण डायनेस्टीज थी, चेरास, चोलास और पांड्यास। हम उन्हीं चोलास की बात करें जिनकी कावेरी डेल्टा के पास उत्पत्ति हुई थी। इनके सबसे पावरफुल रूलर्स थे फादर संडुओ, राजा राजा प्रथम और राजेंद्र चोला, जिन्होंने इस एम्पायर को बियॉन्ड द सी एक्सपैंड किया। उनसे पहले साउथर्न रीजन में पांड्यास और पल्लवास के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था फॉर सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। इस कन्फ्लिक्ट और इसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए विजयलया ने पल्लवों को हराया और थंजावर को अपनी राजधानी बनाई। आगे चलकर राजा राजा प्रथम और राजेंद्र चोल ने इस छोटे से राज्य को एक साम्राज्य का रूप दिया और इसका विस्तार किया कावेरी डेल्टा से भी आगे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में श्री विजय एम्पायर, श्रीलंका, मालदीव्स, लक्षद्वीप और मलाया पेनिनसुला। उन्होंने चीन, मलेशिया, कैम्बोडिया और इंडोनेशिया के साथ ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किए। यह प्रसिद्ध राजवंश उस समय इतने बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। चोल साम्राज्य के विदेशी विस्तार का श्रेय इसकी सबसे मजबूत नौसेना को जाता है, जिसमें लगभग 70 रेजिमेंट थी। आज इसे ट्रिब्यूट देते हुए भारतीय नौसेना एकेडमी का नाम इसके नाम पे रखा गया है। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह थी कि उन्होंने अपने एम्पायर को बियॉन्ड गंगा एक्सपैंड किया। इसी वजह से उन्हें गंगईकोंड चोलम की उपाधि दी गई, जिसका मतलब है वो जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की। जिसके बाद उन्होंने एक नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की, जो आज के तमिलनाडु में एक गांव है। और यह राजेंद्र चोल के बाद अगले 250 साल तक चोल साम्राज्य की राजधानी बनी रही। इनके रूल को द सिविलाइजेशन ऑफ द गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरा ने नए कल्चर और आर्ट को उदय होते हुए विटनेस किया है। ड्रविडियन आर्किटेक्चर, तमिल लिटरेचर, स्कल्पचर एंड ब्रोंज वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चर भी एक्सपेंड कर रहा था। चोल शासक शिवाइस थे, यानी कि शिव के भक्त। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, जो कला का एक शानदार काम है। राजा राजा चोल स्वयं को शिव पदा शेखरा भी कहते थे, जिसका मतलब है वो जो अपना मुकुट शिव के चरणों में रखता है। उस समय टेम्पल टाउन्स बनाए गए थे एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस पीरियड ने ड्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल देखा, जिसमें गोपुरम, मंडप, गर्भगृह, विमान और शिखर हुआ करते थे। राजा राजा प्रथम के राज में बनाए गए मंदिरों को द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स भी कहा जाता है, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगईकोंड चोलापुरम का मंदिर, ऐरावतेश्वरा टेम्पल, और ये सारे मंदिर अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। बृहदेश्वरा मंदिर थंजावुर में स्थित भगवान शिव का सबसे भव्य मंदिर है, जो हजार सालों के बाद आज भी काफी मजबूती के साथ खड़ा है। इस मंदिर का निर्माण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। द एंटायर टेम्पल वॉज बिल्ड यूजिंग टन्स ऑफ ग्रेनाइट, बट थंजावुर डज नॉट हैव अ सिंगल माउंटेन एटलीस्ट 60 किलोमीटर अराउंड इट। विमाना
या मंदिर की मीनार 216 फीट ऊंची है और इसे किसी भी बाइंडिंग मटेरियल यानी कि सीमेंट का उपयोग किए बिना सिर्फ पत्थरों को इंटरलॉक करके बनाया गया है। और मंदिर का जो शिखर है वो तो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट है जिसका वजन लगभग 80 टन है। बिना किसी आधुनिक उपकरण के इसे वहां कैसे रखा गया यह अभी भी एक रहस्य है। The temple is nothing but an architectural miracle. राजा प्रथम के साथ जिन जिन लोगों ने इस मंदिर का काम किया उन सब के नाम भी मंदिर के बाहरी दीवारों पर लिखे हुए हैं। इस टाइम में बनाए गए ब्रॉन्ज स्टैचूज में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था और कई सारे ट्रेडिशनल आइकन्स भी बनाए गए। Among them, one of the greatest examples is Nataraja statue, जो शिवा के कॉस्मिक डांस को डिपिक करता है। इनके अलावा अर्धनारीश्वर, भोग शक्ति और सुब्रह्मण्य भी मास्टरपीसेस थे। ये यूं ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स नहीं कहलाते। अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हुआ करते थे। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि आज की तरह ही उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन के तीन लेवल्स हुआ करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। हमें ये सारी जानकारी उत्तरा मेरु इंस्क्रिप्शन से मिलती है। वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए पाम लीव्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे लैंड एंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। पूरे एम्पायर को 9 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था जिन्हें मंडलम कहते थे। इन मंडलम के हेड गवर्नर्स हुआ करते थे। चोल राजवंश के इतिहास में अंतिम युग को लेटर चोला युग के रूप में जाना जाता है, जो राजेंद्र चोला के शासनकाल के तुरंत बाद शुरू हुआ और 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाप्त हुआ। Thus, the later Chola period rulers were also known as the Cholas of Chalukyas. तो ये थी कहानी चोल साम्राज्य की, जो पीरियड ऑफ रैपिड एडवांसमेंट को सिंबलाइज करता है, जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। So that's all for today's video. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए adios.